YouTube के प्राचीन कहानियाँ चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ सेल्फ एनालिसिस वाला ज्ञान देने वाला हूँ, जो मैं रिसेंटली कुछ समय से कर रहा हूँ और फील कर रहा हूँ। कई बार मैं भी बहुत सारी चीज़ें मिस करता हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं महान हूँ, ऐसा कुछ हूँ तो आप हम सब मिस करते हैं, लेकिन वो मिसिंग के बाद में या उस गलती के बाद में सीखना हमारा काम है। अगर आप उसको नहीं सीखोगे तो गलती हमारी है। तो आज मैं किस बारे में बात करूँगा, आज मैं बात करूँगा कि क्या चीज़ हमारे पास में है जो हम उसको नहीं देख पा रहे और हम उन सारी चीज़ों के पीछे पीछे भाग रहे हैं जो हमारे पास में नहीं है। यानी कि वही बात हंड फिर कर कमियाँ घूम फिर कर आती है हमारी टेंडेंसी साइकोलॉजी पर। वो कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली मेरे साथ में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरे फ्रैक्चर हो गया और ये जो मेरी लास्ट फिंगर है ना, इसको अभी टाइम लग रहा है हील होने में, ठीक होने में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, अब ये मैं सोच रहा कि मैं सिंपति लेने के लिए बोल रहा हूँ, जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक बल्कि बहुत अच्छा ज्ञान दूंगा जो मैं सेल्फ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं अपने परिजनों के साथ में तो ये डिस्कस करते रहता हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है इस चीज़ में कि ये फिंगर है, इस फिंगर के ठीक ना होने की वजह से मेरे तमाम काम रुक गए। मैं बहुत सारे काम नहीं कर सकता जो बहुत इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। और यूँ कहूँ कि देखो, पिछले जब से मेरे साथ में ये हादसा हुआ, मैं 2 महीने से हो गए क्रिकेट भी नहीं खेल पाया, तो इस एक फिंगर की वैल्यू मुझे पता चली, राइट। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके साथ में, मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए परमेश्वर ने या इस नेचर ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, शरीर देने के बाद में हमें हमसे कुछ नहीं मांगा रिटर्न में। बाकी हमने क्या करा रिटर्न में, उनको गालियाँ दी, क्योंकि जो बेवजह की चीज़ें हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। हम कभी भी थैंकफुल नहीं होते क्योंकि हमें कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये जो बॉडी है आपकी कितनी कीमती है, इसकी वजह से आप कितनी सारी चीज़ें कर रहे हो जो चीज़ों का आपको पता ही नहीं है, कहीं ज्ञान ही नहीं है या कहीं एहसास ही नहीं करते आप, सिर्फ चले जा रहे हैं। सुबह को उठेंगे, शाम तक घर तक आएंगे, धक्के मार के आज वहाँ से पैसा कमा लिया, आज वहाँ से कमीशन कमा लिया, आज ये सारी चीज़ें कर ली, आज ऐसा कर ली, उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो कीमती है, जो अनमोल चीज़ है, वो हमारी बॉडी, हम उसका ध्यान ही नहीं रख रहे। आप सो के आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सो के, मैं भी एक समय करता था कि सो के अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं। हम कभी इस बॉडी की अहमियत के बारे में समझ ही नहीं रहे और बाद में जिस चीज़ों के पीछे आज आप भाग रहे हो वो सारी चीज़ आपकी लग जाती है हॉस्पिटल में, किसी और को आप दे आते हो। तो कहने का मेरा मतलब है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि हमें ज़रूरी है हर चीज़ को एनालिसिस करने की, उन चीज़ों के पीछे ध्यान देने की कि हमें जो चीज़ें हम वैल्यू नहीं कर रहे आज, जैसे हमारी एक बॉडी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पार्ट ऑफ लैंड है जहाँ पर हम रह रहे हैं, एक घर है, एक छत है, खाने के लिए नेचर ने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, हम उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। हमें ज़रूरत है ध्यान देने की, हमें ये सीखने की कि ये चीज़ें इस तरह से हैं, ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती हैं कि अगर आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हुई तो। हमें ये सारी चीज़ें ज़रूर देखना है। आप पैसे के पीछे भागोगे, किसी पर्सन के पीछे भागोगे, वो आपको वैल्यू ना करें, हम आपको भिगो भिगो के मार रहे हैं लेकिन आप फिर भी ठीक हो, बट आपकी बॉडी के साथ में, आपकी खुद के साथ में, आपकी सोल के साथ में जितना सब कुछ गलत हो रहा है आप सहन करते जाओगे और अपना जो मेरिट है उसको डीमेरिट करते जाओगे, नीचे की तरफ लेते जाओगे, जो बिल्कुल गलत है। हमें इस चीज़ से हट के रहना चाहिए, सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। कहने का मतलब क्या है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि नेचर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को उससे नवाजा है जो हम अपने आसपास नहीं देख पाते। अब हमें पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा आवामंडल या एटमॉस्फेयर इस हिसाब से बना हुआ है कि अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम विदिन 30 सेकेंड हम मर जाएंगे यहाँ पे। अगर आप वहाँ कर लोगे तो 1 मिनट में तो चले ही जाओगे सारे लोग। किसी भी चीज़ का कितना पैसा कमा लो, कितना घर रख लो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कृत्रिम ऑक्सीजन से भी एक वक्त तक रह सकते हो, उसको बनाने के लिए भी आपको नेचुरल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी कि जो रिसोर्स हैं नेचर की उसकी ज़रूरत है। लेकिन हमें तो पता है कि ये पेड़ हमें तो हमारे बाप ने लगाए हैं, या यूँ कहूँ कि कहीं ना कहीं से आए हैं, हमारा तो इसमें पे कब्जा है क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हमने जानवर पे भी कब्जा कर रखा है क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमें लगता है कि हम सुप्रीम हैं। लेकिन ये गलत है, हमें थैंकफुल होने की ज़रूरत है इन पेड़ पक्षियों के, जानवरों के, जिनकी वजह से कतरा कतरा बन के हमें उन सारी चीज़ों का एहसास होता है कि हम कंप्लीट हो पाए हैं, या हम जो बोलते हैं ना सुप्रीम हो पाए हैं।
उन सारी चीज़ों का ये सच में एक आउटकम निकल पाया। और इसके बाद में जैसे नेचर ने बॉडी, चलो चलो ये तो आपकी अपनी बॉडी है, कम से कम हम दूसरी की बॉडी के बारे में देखें। जैसे मैंने फिर से बताया, पेड़ है, वो आपकी सेवा में लगा हुआ रात दिन, वो आपको फल देता है, ऑक्सीजन देता है। इसके साथ साथ में जब वो बूढ़ा होने लगता है, उसकी कोई टहनी कमज़ोर हो जाती है, उसके बाद में वो लकड़ी देता है, ईंधन देता है, ताकि आप उसका भी यूज कर सको। बट नहीं, हमें तो उन सारी चीज़ों के पीछे भागना है जो बेमोल हैं, जिनका कोई मोल नहीं है, जो फालतू की चीज़ें हैं। और वही चीज़ें हमें ज़्यादा सेटिस्फाइड भी करती हैं कि हाँ, बोलते ना दूर के ढोल सुहाने लगना, वो वाली चीज़ें। यहाँ पर कोई पीछा रहता है तो उठ रहे हैं, इसलिए मेरा बार बार ध्यान उधर जा रहा है। तो बोलते ना जो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जो चीज़ें हमारी पकड़ से दूर हों, हमें वही अच्छी है। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल अगर दूँ आपको, हम आज दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, साइंटिस्ट नासा वाले, इसरो वाले, मैं इसके गलत नहीं हूँ, एक्सप्लोर करना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें कैसे हो रही उनको भी देखना चाहिए। अब इसके पीछे मेरा तर्क क्या है, हम अपनी पृथ्वी को तो बिल्कुल 100% नष्ट करने के कगार पर हैं, इसका हम ध्यान नहीं रखते। जहाँ ऑलरेडी नष्ट है वहाँ पे चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे हाथ में सही है कभी भी हम उसकी केयर नहीं करते, हम दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ कैसे करके वो चीज़ हमें सही मिल जाए, उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, उसको हम फ्यूचर मान रहे हैं। जो हमारा पास प्रेजेंट का फ्यूचर, उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें ये जरूर आपको देखने में मिल जाएगा, जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। जो चीज़ें दी हुई हैं, जो अनकंडीशनली चीज़ें आपको मिली है, हमें ज़रूरत है उनकी केयर करने की, उनके बारे में रीथिंक करने की, उनके बारे में थैंक यू करने की। अगर एंड ऑफ द डे अगर हम देखते हैं तो मोल किस चीज़ का है, किसी भी चीज़ का नहीं है, ना बॉडी का ना इस नेचर का। क्योंकि हमें तो जाना है, जब हम फिर से आएंगे तो हमें ये सारी वैल्यू वाली चीज़ें फिर से उसी हिसाब से हम चलना ही चलना है। तात्पर्य इस वीडियो से सिर्फ इतना ही है कि कैसे भी करके हमें थैंकफुल होना चाहिए उन सभी चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमारे पास में है, ना कि उन चीज़ों के लिए दुखी होना चाहिए जो चीज़ें हमारे पास में नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, जो मैन मेड है, यानी कि जो हमारे द्वारा इंसान के रूप में बनाई हुई चीज़ें हैं, कभी भी उनके लिए तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए बनी हुई चीज़ें हैं। जो चीज़ें नेचर से बनी हुई हैं, जो गॉड मेड हैं, जो नेचर मेड है, उनके बारे में परेशान हो तो अच्छा लगता है, उनकी केयर करो, उनके बारे में चिंता करो तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। वीडियो को लास्ट करने से पहले या वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी बुक, दोनों बुक का प्री ऑर्डर बुक होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहो तो आप अपना एक ऑर्डर कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपके घर पर आपकी बुक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।